Hello students, I will be your teacher for the video and the question says an organic compound has following percentage composition: carbon 26.07%, hydrogen 2.20% and oxygen 71.1%. If the vapor density of the compound is 45, calculate its molecular formula. तो इस क्वेश्चन में हमको गिवेन है एक कंपाउंड और उसकी केमिकल कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, और हमको बताना है उस कंपाउंड का मॉलिकुलर फार्मूला, और हमें गिवेन है उस कंपाउंड की वेपर डेंसिटी. तो आइए सबसे पहले हम गिवेन इंफॉर्मेशन लिख देते हैं. गिवेन इंफॉर्मेशन है कार्बन 26.07%, जो कि नियरली इक्वल है 26% के. हाइड्रोजन 2.20%, जो कि नियरली इक्वल है 2% के. एंड ऑक्सीजन 71.1%, जो कि नियरली इक्वल है 21% के. और हमको क्या गिवेन है? और हमें गिवेन है वेपर डेंसिटी, जो कि है 45. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले आने चाहिए. वो फॉर्मूले हम नोट डाउन कर लेते हैं. सबसे पहले पहला फॉर्मूला जो हमें आना चाहिए वो है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इनटू 2. दूसरा फॉर्मूला जो हमें आना चाहिए वह रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड अपॉन द मोलर मास. तो ये दो फॉर्मूले हमें आनी चाहिए और इसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं. तो आइए इस क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं. तो सबसे पहले हमें गिवेन है वेपर डेंसिटी, उससे हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी इनटू 2. वेपर डेंसिटी 45, तो 45 इंटू 2, ये टोटल हो जाएगा 90. अब इस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए हमें हमेशा एक टेबल फॉर्म यूज़ करना चाहिए, विच विल मेक द कैलकुलेशंस एंड आर वर्क इजी, जिससे हम कहीं पे कंफ्यूज ना हो. तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम पे रहेगा एलिमेंट, सेकेंड कॉलम पे रहेगा मोलर मास, थर्ड कॉलम पे रहेगा परसेंटेज कंपोजिशन, फोर्थ कॉलम पे रहेगा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स, और लास्ट कॉलम पे रहेगा सिंपल रेशियो. तो आइए अब इसमें आप वैल्यू पुट कर देते हैं. एलिमेंट है हमारा कार्बन, मॉलिक्यूलर मास है 12, परसेंटेज है 26, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 26 अपॉन 12, जो कि नियरली इक्वल होगा 2.2% के. सिंपल रेशियो को हम कुछ देर में निकालेंगे. अभी सेकेंड एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, जिसका मॉलिक्यूलर मास है 1, परसेंटेज कंपोजिशन है 2. अगर हम इसका रिलेटिव नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो 2/1, जो कि नियरली आएगा 2 के. अब हमारा तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, जिसका मोलर मास है 16, जिसका परसेंट कंपोजिशन है 71, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 21/16, तो ये नियरली इक्वल आएगा 4.4% रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स. अब अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो इन सभी को हम 2.2 से डिवाइड कर सकते हैं. सभी को 2.2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो सिंपल रेशियो मिलेगा वो आएगा 1:1,
1:2। तो अगर हम इस बेसिस पे एक एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना चाहें तो होगा, तो हमारा फॉर्मूला होगा C1H1O2। ये हमारा हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। और अब अगर हमें इससे कोई फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहले हम इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो C is 12 प्लस हाइड्रोजन है 1 और ऑक्सीजन है 16 × 2, दैट इज 32। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा 12 प्लस 32, जो कि नियरली इक्वल आएगा 44। अब हमें पता है कि जो n की वैल्यू है यहाँ पे, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। तो हमारा मॉलिक्यूलर मास आया था वेपर डेंसिटी से जो हमने कैलकुलेट किया था 90, और हमारा एम्पिरिकल मास है 44। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी n की वैल्यू आएगी, वो आएगी नियरली इक्वल टू 2। और जब हम इस n की वैल्यू 2 को इस फॉर्मूले पे, एम्पिरिकल फॉर्मूले पे पुट करते हैं तो हमको मिलेगा मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू C1H1O2, n की वैल्यू 2, ये आ जाएगा C2H2O4। ये हमारा आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर मास नहीं गाइस, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारा। हिंस फाइनल स्टेटमेंट लिख देते हैं, हिंस द गिवेन कंपाउंड इज C H O2 होल ट्वाइस। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।